80,000 से लेके 1,00,000 रुपया इजीली अर्न कर सकते हैं, वो उसी गोबर से जो आपका जो है ना वो जाया जाना जी बिल्कुल। ये 2D है, मेड इन ब्राजील मॉडल है ये भी, ठीक है। ये भी हमने, ये सारा सामान हमने ब्राजील से इंपोर्ट करवाया है, ठीक है, ठीक है, मेड इन ब्राजील है। मैं इसकी कैपेसिटी फिर पूछूंगा आपसे। इसकी 7 टन कैपेसिटी है, 175 मन एक घंटे में। अच्छा, इतनी ज्यादा क्वालिटी कुछ जी बिल्कुल। ये हमारे जो किसान अपना भाई है जिन्होंने बड़े बड़े फार्म बनाए हुए हैं, ये उनके लिए खास तोहफा है। ये सर SM18 है, जिसका कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत ज्यादा सीजन चल रहा है, मुंजी का सीजन चल रहा है, इसे आप मुंजी से चावल बना सकते हैं। तकरीबन 11 मन जो है ना इसका वजन है, 25 मन इसकी एवरेज है एक घंटे की। कोई मिक्सिंग वगैरह करना चाहते हैं, वंडा वगैरह उस चीज़ की, तो उसके लिए मिक्सर भी अल्हम्दुलिल्लाह दस्तयाब है। हमारे भाइयों के पास स्ट्रेलियन वो अच्छी जो कोज होती हैं, तकरीबन 40-40 लीटर भी वो दूध देती हैं, तो उनके लिए ये खास तोहफा है। वो आदत नहीं, हमने जो चीज़ बनानी है अच्छी बनानी है, बेशक उसमें थोड़ा बहुत कास्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, लेकिन आपको भी पता है चीज़ जब अच्छी बनेगी तो उसमें डेफिनेटली कास्ट में फ़र्क आता है। 4 दिन चलेगी? हाँ जी बिल्कुल, 4 दिन नहीं, इंशाल्लाह साला साल चलने वाली चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एयर पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एहसान मिदाज फिर आपकी खदमत में हाजिर है। नाज़रीन, नई जगह, नए लोग, नई वैरायटी, कम कीमत, वहाँ पर नज़र आता आपको हमेशा की तरह एयर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ डस्का में। आपको पता है कि डस्का का नाम मैकेनिकल की मशीनरी की वजह से मशहूर है, जाना पहचाना जाता है। तो बिल्कुल जनाब, आज भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में मैकेनिकल की मशीनें हैं। इन मशीनों को इस्तेमाल करके आप अपना अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। कहने का मकसद है कि आप एक अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आप मेरे साथ रहें, हम लोग जो ऑनर हैं उनसे जानते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। मैं ख़ुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, आपको पता है। आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने जा रही है। हम कोशिश करेंगे ये मैकेनिकल की जो मशीनें हैं कैसे चलती हैं, कैसे हमें अच्छे से अच्छा ये रोज़गार कैसे ये दे सकती हैं। आप मेरे साथ रहें, इस वीडियो को एयर पाकिस्तान के साथ इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप जी? अल्लाह का शुक्र। अच्छा ग्राहक साहब, क्या दिखाएंगे जी आज की वीडियो में? स्पेशल वीडियो होने जा रही है आज की वीडियो में। ये साइलेज मशीनें हैं। और क्या क्या जी, क्या क्या दिखाएंगे? हमारे पास डिफरेंट मॉडल हैं इसके जी। साइलेज मशीन देखेंगे? हाँ, और कौन कौन इसके अलावा हम देखेंगे मिल्किंग मशीनें, ठीक है, गोबर से लकड़ी बनाने वाली मशीन, और SM18 चावल पालसी वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा मुझे दिखाइए जी, ये कौन सी आ गई और इसकी कितनी की जरूरत पेश आती है? सबसे पहले ये सबसे बड़ा मॉडल हम दिखाने जा रहे हैं, JF40, ठीक है। ये साइलेज के लिए जो है ना ये मशीन है, इसमें आप साइलेज बना सकते हैं, और इसकी कैपेसिटी जो है 7 टन है एक घंटे की, ठीक है। 2 चालें दी गई हैं इसमें, 13 mm और 5 mm। अगर 13 पे चलाएंगे तो 7 टन, अगर 5 पे चलाएंगे तो ये देगी आपको 4 टन, ठीक है, ठीक है। खराब नहीं होती, क्वालिटी वगैरह मेड इन ब्राज़ील है। अच्छा, और इसके साथ आप 16 हॉर्स पावर का पीटर, अच्छा, या 10 हॉर्स पावर की मोटर या 7 की अटैच कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसकी कीमत जानना चाहूँगा। सर इसकी बिल्कुल मकबूल सी कीमत है 2,75,000 रुपया, मेड इन ब्राज़ील है। मैं इसकी कैपेसिटी फिर पूछूंगा आपसे। इसकी 7 टन कैपेसिटी है, 175 मन एक घंटे में। अच्छा, इतनी ज़्यादा क्वालिटी कुछ जी बिल्कुल। ये हमारे जो किसान अपना भाई हैं जिन्होंने बड़े बड़े फार्म बनाए हुए हैं, ये उनके लिए खास तोहफा है। अच्छा, ठीक है। साइलेज बनाएं, और साइलेज से एक तो दूध ज़्यादा होता है, दूसरा जानवर जो है खुश होकर खाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मैं अगली मशीन से, इसके अलावा आप साइलेज बना के मतलब सेल करने का वो प्रोसीजर इससे कर सकते हैं। अच्छा, उसमें कितनी करने का क्या इसका बिजनेस अगर मैं करना चाह रहा हूँ कितना? जी देखे, अगर ये मशीन आप लगा लेते हैं लोगों के साइलेज बना के भी आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इससे। ये है 40 से, अपने गाँव में अगर लगा लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। इसके बाद इवो 30 आ गई है, ठीक है, ये उससे छोटा मॉडल है। अच्छा, इवो 30, ठीक है, ठीक है। इसमें आप 5 हॉर्स पावर की मोटर या 7 हॉर्स पावर की मोटर अटैच करेंगे, ठीक है। अगर पीटर पर चलाना चाहते हैं तो पीटर पे भी ये चल सकती है, ठीक है, ठीक है। इसका जो है ना वो कैपेसिटी 3 से 3.5 टन एक घंटे की है, ठीक है। और ये भी साइलेज के लिए स्पेशली बनाई गई है, मेड इन ब्राज़ील है ये। क्या कीमत? इसकी कीमत 1,40,000। 1,40,000 3 से 3.5 टन ये भी बना सकती है आपका साइलेज। फॉल्ट तो नहीं इसमें कोई निकलता? जी बिल्कुल भी नहीं निकलता। अच्छा, इसके अलावा और मुझे क्या दिखाएंगे जी? इसके बाद जो ये है JF5D, अच्छा, ये पहले भी हमारे पाकिस्तान में चल रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आज़ाद फास्ट इंजीनियरिंग डस्का भी हासिल है कि JF5D ब्राज़ील मॉडल,
और ये हमारा अपना तैयार किया हुआ मॉडल। अच्छा, ये भी हम इसमें दिखाने जा रहे हैं। ठीक, ये हमने खुद तैयार किया है। ये जे है 5D मेड इन ब्राज़ील है। अच्छा, ठीक है। इसके साथ 5 से 6 अदद जालियाँ दी जाती हैं। इसे आप तूड़ी, वंडा और उसके बाद जो है साइलेज और उसके बाद आटा, अच्छा, ये सारा कुछ बना सकते हैं। और इसकी जो आज की कीमत है, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है, 1,30,000 रुपया, जो मेड इन ब्राज़ील है। ये जो हमने खुद तैयार की है, इसकी कीमत 1,00,000 रुपया है। अच्छा, ये 2D है, मेड इन ब्राज़ील मॉडल है ये भी। ठीक है, ये भी हमने, ये सारा सामान हमने ब्राज़ील से इंपोर्ट करवाया है। ठीक है, ठीक है। और इसकी जो आज की कीमत है वो है 80,000 रुपया, मेड इन ब्राज़ील की। अगर हमारी खुद की बनाई हुई, जो हमारे वर्कशॉप में तैयार पड़ी हुई है, वो हम दे रहे हैं 60,000 रुपये में। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा, ब्राज़ील में क्या इतना ही साइलेज बनाया जाता है? उसमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्या क्या जी? बिल्कुल, साइलेज भी बनाया जाता है, और इन मशीनों के हवाले से ब्राज़ील का एक नाम है। अच्छा, ठीक है। ये मशीनें फुटबॉल के लिहाज से नहीं है? हाँ जी, फुटबॉल के लिहाज से भी है, लेकिन ये मशीनें सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने वाला जो मुल्क है वो ब्राज़ील है। अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो ये पाकिस्तान में भी चल रही हैं। और हमने ये आपके सामने ये 5D बनाई है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जो वर्किंग वो कर रही है वही वर्किंग ये भी करेगी। लेकिन कुछ लोगों को मेड इन ब्राज़ील पसंद है, कुछ इंशाल्लाह हमारे वाली भी पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी। अच्छा जी, इसकी कीमतें क्या? इसकी कीमत 80,000 रुपया जे एफ 5 2D जो है। ठीक है, मेड इन ब्राज़ील। अगर हमारे वाली कोई लेना चाहे तो 60,000। अच्छा, फिर इसके बाद ये मिल्किंग मशीन है, मेड इन ब्राज़ील है ये भी। अच्छा, इसके साथ ये 4 अदद जो है ना वो निपल्स दी गई हैं। ठीक है, ठीक है, ये दिखा दें जी। हाँ जी, और अच्छी चीज़ें, सॉलिड चीज़ें सारी लगाई गई हैं। अच्छा, और साथ में ये इसके साथ मिल्क स्टॉपर दिया गया है, मोटर दे दी गई है। मिल्क स्टॉपर का मतलब ये है कि अगर यहाँ से कोई गैस वगैरह इधर आती है तो ये मिल्क स्टॉपर उसको स्टॉप कर देगा, मोटर को कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है। इसके साथ 40 kg की बकेट दी गई है, 40 kg आपका जो दूध है वो इसमें आ सकता है। ठीक है। आपको पता है कि हमारे भाइयों के पास स्टेलियन वो अच्छी जो गोज होती हैं, तकरीबन 40-40 लीटर भी वो दूध देती हैं, तो उनके लिए खास तोहफा है। आप ये निपल लगाएं और आराम से उनकी चुवाई हो जाए। कीमत क्या है जी इसकी? 1,00,000 रुपया कीमत। अच्छा, इसकी जो अगली, इसके बाद ये जो है ये मिल्किंग मशीन, छोटी मशीन है, ये हमारे छोटे जो किसान भाई हैं उनके लिए अच्छा तोहफा है। इसके साथ भी उसी तरह 4 अदद निपल दी गई हैं। ठीक है। और ये मोटर दे दी गई है, मिल्क स्टॉपर भी इसके साथ दे दिया गया है, 14 लीटर की बकेट है। और इसकी जो आज की कीमत है वो सिर्फ़ और सिर्फ 45,000 रुपये। 45,000। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये, इसके बाद गोबर से लकड़ी बनाने वाली मशीन है। गोबर से लकड़ी बनाने वाली मशीन है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी डिमांड तो हमसे पूरी नहीं हो रही। अच्छा, ठीक है। ये इसमें 2 मॉडल है हमारे पास, ये सादा मॉडल है, यहाँ पर आपकी मोटर फिट होगी। ठीक है, ठीक है। 2 बेल्ट इसको डलते हैं, और इसे आप जो गोबर से या लकड़ी डंडे टाइप बना सकते हैं, इससे तकरीबन 200 से 250 डंडा बना सकते हैं। अच्छा, अर्निंग कितनी होती है इसमें? अर्निंग में सर इसमें तकरीबन लोग जो है ना 80,000 से लेके 1,00,000 रुपया इजीली अर्न कर सकते हैं, वो उसी गोबर से जो आपका जो है ना वो जाया जाना जी। बिल्कुल। उसके बाद ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार करदा जदीद जो है ना इसका मॉडल है। ठीक है, ठीक है। इसमें अंदर आप मोटर अटैच कर सकते हैं, और इसको थोड़ा डिफरेंट बनाया गया है। ठीक है। इसका जो वर्म है वो भी बड़ा रखा गया है, अंदर से भी दिखा दीजिए। ठीक है, ये क्या प्यारी चीज़ वर्म भी थोड़ा सा बड़ा रखा गया है। ठीक है। और इसकी कीमतें मुझे बताइए आपने? इसकी सर कीमत जो पहली दिखाई है साथ, इसकी कीमत है 45,000 रुपया। ठीक है। और ये जो है ये आपको मिलेगी 55,000 रुपये। ये बताइए ग्राहक साहब, ये क्या चीज़ पड़ी वाइट? अगर कोई मिक्सिंग वगैरह करना चाहते हैं, वंडा वगैरह उस चीज़ की, तो उसके लिए मिक्सर भी अल्हम्दुलिल्लाह दस्तयाब है। और इसकी क्या कीमत है? ये सर अगर तो स्टील में लेना चाहें तो स्टील वाला 60,000 रुपया मिलेगा, अगर आप लोहे का लेना चाहें वो 50,000 का मिलेगा। सर ये कौन सी मशीन है जिसका बारे बताइए? ये सर SM18 है, जिसका कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत ज़्यादा सीज़न चल रहा है, मुंजी का सीज़न चल रहा है। ठीक है। इसे आप मुंजी से चावल बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है। 6 जाली वाला ये SM18 है। ठीक है। और इसकी तकरीबन 11 मन जो है ना इसका वजन है, 25 मन इसकी एवरेज है 1 घंटे की। ठीक है। इसमें 4 जाली वाला भी दस्तयाब है, और ये 6 जाली वाला भी दस्तयाब है। और इसकी क्या कीमत? इसके साथ आप 25 हॉर्स पावर की मोटर या 20 हॉर्स पावर की मोटर अटैच करेंगे या ट्रैक्टर में ये चलेगा। ठीक है। इसकी जो आज की कीमत है वो है 1,55,000 रुपया। अच्छा। और इसमें जो 4 जाली वाला है वो आपको मिलेगा 1,45,000 रुपया। ठीक है। लोग यही SM जो है ना, यही SM 1,70,000 में 1,80,000 में सेल कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहले भी पता है हमारे रेट भी मकूल होते हैं और चीज़ भी इंशाल्लाह पायदार होती है। इसी वजह से हमें लोग जो है ना
याद करते हैं, हमसे चीज़ें परचेज करते हैं। लोग कैसे याद करते हैं, ख्वाब जी या वैसे? नहीं, वैसे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आपके। अच्छा ब्रदर सर, एंड में कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि जो भी हमने चीज़ें दिखाई, हो सकता है वो आपके रिलेटेड ना हो या आप ये कारोबार ना करना चाहते हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो काइंडली उनके लिए ये वीडियो, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चले ग्रह साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कोई भी भाई बहन कॉन्टैक्ट करता आपने, मैक्सिमम लोगों को कारोबार सिखा देना जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जी जनाब, जैसे मौजूद था फास्ट इंजीनियरिंग दस्का में, मुख्तलिफ चीज़ें देखी, बड़ी ख़ास चीज़ें आपको दिखाई हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।